हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल विद माय न्यू वीडियो। माय नेम इज आमिर फ्रॉम A1 कोचिंग। तो स्टूडेंट्स, हम लोग रिटायरमेंट का चैप्टर कर रहे थे अकाउंट्स में, चैप्टर नंबर 4। तो इसमें हम लोगों ने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल देख चुके हैं हम लोग न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी हम लोगों ने देख लिया है, और साथ ही साथ हम लोगों ने रिजर्व का भी ट्रीटमेंट देख लिया था। अब आज की वीडियो हम लोग देखेंगे कि नॉर्मली रिजर्व का ट्रीटमेंट क्या होता है, वो तो हम लोगों ने देखा, लेकिन दो ट्रीटमेंट होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रीटमेंट ऑफ WCR, ठीक है, एंड IFR, ठीक है। WCR और IFR का ट्रीटमेंट देखेंगे, यानी कि WCR मतलब वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व और IFR का मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अच्छा, कोई ऐसा बच्चा जिसमें एडमिशन में उसको सीख रखा है तो फिर उसके लिए मैं बोलना चाहूँगा भाई वही सेम ट्रीटमेंट है, टाइम वेस्ट मत करो। अगर आपने पढ़ा है तो वही सेम ट्रीटमेंट है, आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर नहीं पढ़ा है तो भाई पढ़ना ज़रूरी है, वही सेम ट्रीटमेंट होता है जो एडमिशन में होता है, वही IFR में होता है। हाँ, लेकिन सिलेबस में है, इस चैप्टर में है, तो मुझे पढ़ाना ज़रूरी है, इसलिए मैं ये फिर से पढ़ा दे रहा हूँ रिटायरमेंट के केस में भी, ठीक है। याद रखना, रिजर्व का ट्रीटमेंट सेम होता है, चाहे वो एडमिशन हो चाहे वो रिटायरमेंट हो, ठीक है। तो WCR का मतलब होता है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। तो अगर मान लो नॉर्मली WCR आपको ऐसे दे रखा है, WCR है आपका 30,000 रुपीज़ का, आपने वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व बना रखा है कितने का बेटा, 30,000 रुपीज़ का, ठीक है। अब उसमें नीचे अलग अलग तरह से क्वेश्चन आता है, अगर क्लेम नहीं है, अगर नॉर्मली मान लो कोई क्लेम नहीं है तो WCR किस पे बढ़ जाता है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। मान लो इसमें तीन पार्टनर है ABC और तीनों का रेशियो है 1:1:1, कितना है 1:1:1, यानी कि तीनों का आधा आधा बढ़ जाएगा। अगर मान लो कोई क्लेम नहीं होता है तो 30,000 को 30,000 को हम लोग क्या करते हैं, WCR अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट टू C's कैपिटल अकाउंट, 10,000 में बांट देते हैं। सही समझ में आ रही बात, ये मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया भी था। लेकिन अगर इसमें क्लेम दे रखा है तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो पहला क्लेम है, मान लो इफ क्लेम फॉर 10,000 रुपीज़, 10 नहीं, आप एक काम करो 21,000 रुपीज़, अगर क्लेम है 21,000 रुपीज़ का, इफ़ क्लेम फॉर 30,000 रुपीज़, इफ़ क्लेम फॉर 50,000 रुपीज़। अब इसका हमें ट्रीटमेंट करना है, 50 मत करो, एक काम करो 60 लिख लो, कितना क्लेम है 60,000 रुपीज़, ठीक है। तो ये तीन अलग अलग केस, अगर क्लेम 30,000 में 21,000 का है तो क्या होगा, ठीक है। अच्छा, एक और लिख लो फोर्थ में, इफ़ देयर इज़ नो क्लेम, कोई क्लेम ही नहीं है, ठीक है, समझ में आ रही बात, तब क्या होगा। तो इसका तो बता चुका हूँ, एक बार फिर से लिख दूंगा, WCR अकाउंट डेबिट टू A टू B टू C में बांट दोगे, ख़त्म हो गई बात। अब A का देखो, पहला केस नंबर फर्स्ट बोल रहा है WCR कितने का, हमने रिजर्व कितना बना के रखा है बेटा 30,000 रुपये का, कि अगर कोई बुरा वक्त आएगा तो हम लोग रिजर्व का पैसा क्या करेंगे, उसको इस्तेमाल करेंगे। तो हुआ क्या, क्लेम आया 21,000 रुपीज़ का, तो हमने इसी दिन के लिए तो बनाया था कि अगर कोई क्लेम आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, WCR का पैसा उसको दे देंगे। तो कितना बनाया हम लोग ने, 30,000 का, ठीक है। इसको ऐसे लिखना, WCR अकाउंट डेबिट किस पे देना है, क्लेम आया तो एंट्री क्या होगी, WCR अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट, इस तरह से लिखोगे, ठीक है। मैंने शॉर्ट लिखा, आप लोग फुल फॉर्म लिखो, वर्कमैन कंपेंसेशन अकाउंट, इस तरह से पूरा लिखोगे, ठीक है। तो WCR कितने का बेटा, क्लेम कितने का बेटा, 21,000 का, तो क्लेम था 21,000 का, तो WCR मैंने क्या किया, 21,000 प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन में दे दिया, ख़त्म हो गई बात। क्लेम टोटल कितने का था WCR, 30,000 का, 30,000 में 21,000 में 21,000 मैंने दे दिए प्रोविज़न में, ख़त्म हो गई बात। मेरे पास अभी बचा कितना बेटा, 30 में 21 माइनस करो कितना बचेगा, 9,000, तो 9,000 रुपये मेरे पास बचा है, वो क्या है भाई, वो तो मेरे लिए मेरे फ़ायदा है, कहीं तो कुछ दे रहा नहीं, कोई क्लेम है नहीं, तो वो क्या होगा, वो ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एंट्री होगी WCR अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर कौन है, टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट टू
सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। WCR कितने का था बेटा, मतलब कितना बचा था 9000, तीनों को प्रेशो किया 1:1:1, यानी कि 3000 इनका और 3000 इनका, तीनों को 3000 रुपये बांट दिया, टैक्स इट ओवर। इस तरह से वो करना, ये हो गया पहला क्लेम। अच्छा, आप इसको इस तरह से भी कर सकते थे, मैं बता दूँ आपको, चाहो तो और लिख लो, एक साथ भी लिख सकते हो। WCR अकाउंट डेबिट कितने का था, WCR टोटल 30000 का, ये और ये साथ में लिख लो 21,930, और यहाँ पर लिख लो टू प्रोविज़न फॉर WCR 21,000, टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू बी टू सी, ठीक है। यहाँ पे कितना था, 3000, ये कैपिटल अकाउंट लिख लेना, ठीक है। इस तरह से भी आप कर सकते हो, चाहो तो एक साथ कर लो कंबाइन एंट्री, चाहे तो सेपरेट सेपरेट कर लो, एज योर विश। क्लियर हुआ, समझ में आया, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो स्क्रीनशॉट, जल्दी से ले लिया स्क्रीनशॉट, रफ कर दूँ भाई, ठीक है। कहाँ गया मेरा डस्टर, ये है, इसको रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते भाई, केस नंबर टू में क्या करना है। अच्छा, एडमिशन में जो कराया था वही सेम ट्रीटमेंट है, मैंने पहले भी कराया, देखिए वो तो आता ही होगा, लेकिन अब देख लो भाई इसमें भी है तो, ठीक है। आगे है, इफ़ क्लेम फॉर 30,000 रुपीज़, अगर क्लेम 30,000 का है, हमने WCR कितने का बनाया है 30,000 का, क्लेम कितने का आया है 30,000 का, तो क्या करेंगे, WCR दे देंगे किसमें, प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में। एंट्री होगी WCR अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट, कितने का क्लेम 30,000 है, और क्लेम भी कितने का बेटा 30,000 का है। आज तो 30,000 रुपये मैंने रिजर्व में रखे थे और 30,000 रुपये क्लेम में, यानी कि कुछ पैसा तो मेरे पास बचा ही नहीं, और जब कुछ पैसा बचा ही नहीं बेटा जी, तो क्या करेंगे बताओ, कुछ बचा ही नहीं तो बटेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं पार्टनर को, बात ख़त्म हो गई। क्लियर हुआ, समझ में आया, स्क्रीनशॉट लेना है, लो जल्दी से नोट करो। चलो, केस नंबर टू हो गया, अब केस नंबर थ्री देखो, और ये इंपॉर्टेंट होता है। केस नंबर थर्ड क्या होता है बेटा, इंपॉर्टेंट होता है। तो क्लेम फॉर 60,000 रुपीज, क्लेम कितने का है 60,000 रुपए का, WCR कितने का है 30,000 रुपए का। अब क्या करें सर, बड़ी दिक्कत हो गई सर, बड़ी परेशानी हो गई, रिजर्व तो मेरे पास 30,000 रुपए है, क्लेम 60,000 का आ रहा है, तो अब कहां से पैसा लेके आए। तो भाई सिंपल सी चीज़ है, अगर पैसा बचता है तो अपने घर लेके जाते हो, तो अब की बार क्या करोगे, अपने घर से लेके आओ, ठीक है। कैसा होगा ट्रीटमेंट देखो, WCR अकाउंट डेबिट 30,000, कितने का था WCR 30,000 का, क्लेम कितने का बेटा 60,000 का, तो यहाँ पे लिखना टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट 60,000, कितने का क्लेम आया बेटा 60,000 का, WCR था कितने का 30,000 का, अब 30,000 कम पड़ रहा है डेबिट साइड पे, उसमें क्या करोगे, तो यहाँ पे लिखोगे रीवैल्यूएशन अकाउंट, जितना भी कम पड़ रहा है उसको क्या कर दोगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितना बेटा 30,000, समझ में आ रही बात, जितना भी डिफरेंस आ रहा होगा उसको किस में डेबिट कर दोगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट से डेबिट कर दोगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ तो नहीं है, नहीं है सर। अब देखो, अब ये हो गया, तो अब ये रीवैल्यूएशन जो है हमारे लिए क्या है, पार्टनर के लिए क्या है, लॉस है। तो पार्टनर को फ़ायदा होता था, उसके अकाउंट को क्या करते थे, क्रेडिट करते थे, अभी लॉस हुआ है तो क्या करोगे, डेबिट करोगे। कितने पार्टनर हैं, तीन है, तो लिखोगे ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू किसको दोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट, यहाँ पे डेबिट तो सो कर दोगे, यहाँ पे क्रेडिट कर दोगे, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितना था बेटा रिवैल्यूएशन 30,000 का, तीनों लोग सैक्रिफाइस करेंगे कौन से रेशियो में, 1:1:1 में, घर से लेके आएंगे पैसा, तो हो जाएगा 10,000 ए में, 10,000 बी का और 10,000 सी का, समझ में आई बात, क्लियर हुआ, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, नहीं है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करने होते हैं। लास्ट वाला दिया इफ़ देयर इज़ नो क्लेम, तो इसमें सिंपल सा है, WCR कितना बनाया था आपने बेटा 30,000 का, कोई क्लेम नहीं आया है, पूरा का पूरा पैसा किसका है, पार्टनर का है, तो लिख देना टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट, कितना था 30,000,
तीनों का रेशियो क्या है, 1:1, यानी 10,000 इसका, 10,000 इसका, 10,000 इसका, डेट्स इट, ओवर हो गया। इस तरह से ट्रीटमेंट होता है किसका बेटा, WCR का। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, एक दो क्वेश्चन इसके लगा के देख लेना ताकि आप अगर भूल भी के एडमिशन में नहीं करे हो तो आपको आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको IFR बता दूंगा और उसके बाद हम लोग करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन और चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तो एडमिशन जैसे था वैसे ही रिटायरमेंट है, तो 2 कॉपी ही, अगर एडमिशन ढंग से पढ़ ली हो तो रिटायरमेंट इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, चलो ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।